एड कर रखा है तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर लेना है जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे कॉमेंट कर, कर पूछ सकते हो और मैं यहाँ पर बता दू कि आपके जो डी यू जे एन यू बी एच एन बी बी ए सारी यूनिवर्सिटीज के प्रीवियस ईयर के हमारे पास सीरीज भी होते हैं सब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन एंड फिफ्टीन हंड्रेड प्लस रिविजन एम सीक्यूज जो हम आपको लास्ट में स्टडी करने कहते हैं तो ये सब हम रिसर्च मेथोलॉजी के आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर योर पेपर वन जिसमें हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन हमारे ही कंटेंट से आपको पूछे जाएगा ये हम हंड्रेड परसेंट गारंटी देते हैं और उसी के साथ साथ इस बार ही आपका एनटीए का पी एच डी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होने जा रहा है इसीलिए हम आपको ऑनलाइन मोड में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं ऑनलाइन आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि आपका एग्जाम में कम से कम टाइम हर एक क्वेश्चंस को आप दे पाए और उसी बेसिस पर उसी स्ट्रेटजीज पर आपको ऑनलाइन किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है आप कैसे गेस कर सकते हो कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट है कौन से ऑप्शन करेक्ट है तो इस तरीके से हम आपको सारे स्ट्रेटजीज बताते हैं हमारे इस कोर्स में तो याद रखेगा पेपर वन एज वेल एज पेपर टू का हम आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आपको स्क्रीन पर पर दिए गए नंबर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं so, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर पेपर वन जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है हर एक स्टूडेंट के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है ये कॉमन होने वाला है तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो हम ये सब कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स देखने मिलेंगे जो कि थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स हैं हम आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाएंगे देन मॉकटेस्ट हर एक मॉकटेस्ट में फोर्टी एमसीक्यूज इस तरीके से आपके मॉकटेस में फोर हंड्रेड एमसीक्यूज यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है देन नेक्स्ट नोट्स नोट्स काफी इम्पोर्टेंट है बहुत में हर एक पॉइंट्स को पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है तो आपके जो भी डाउट्स आपको जो भी हर एक टॉपिक में डाउट है अगर आप एक बार नोट्स के थ्रू से रीड कर लेते हो तो वहां पर आपका डाउट हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा तो नोट्स में हमने के इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप देखोगे जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट है वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है जिससे कि आप उन पॉइंट्स को उन वर्ड्स पर फोकस कर सको देन उसके बाद पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिसमें हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करा है एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर कराए तो सारा कंटेंट आपको बायलिंग लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम प्रोवाइडेड प्रोवाइड करते हैं तो ये सारा कंटेंट जो है इससे आपको 100% हम पासिंग गारंटी देते हैं कंटेंट के थ्रू कि हमारे कंटेंट से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस हैं तो उसके लिए आपको स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर अगर आप हमारे ऐप के थ्रू कंटेंट को एक्सेस करते हो तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाती है ऐप पर हमारा प्रॉपर्ली हर एक चीज आपको टॉपिक वाइज हर एक चीज आपको एक ही जगह पर ऐप पर मिल जाएगा आपके पास एक्सेस होगा आप जब भी चाहो वहां से आप रीड कर सकते हो आपके सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पर ऐप पर इजीली अवेलेबल होगा तो ऐप के लिए लिंक भी हमने कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर रखी है हमारे ऐप पर तो आप वहां से डायरेक्टली कंटेंट को एक्सेस करिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो पेपर टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स एमसीक्यू प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट कर, कर बता सकते हो उस पेपर टू के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है सो दैट्स इट हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं Which of the following statements is or are correct? Hypothesis is a proposition which can be put to test to determine its validity. Or point two, null hypothesis should always be disproved if the hypothesis is disproved. mein se sahi hai?

पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सही होगा कौन सा स्थान सही होगा हमें ये पता लगाना है और हमें कौन से विकल्प में सही ऑप्शन गिवन है इस क्वेश्चन का ये फाइंड आउट करना है तो जैसे कि यहाँ पर हमें दो पॉइंट्स गिवन है और उन दोनों पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे फर्स्ट पॉइंट इज हाइपोथेसिस इज अ प्रपोजिशन सो यस हाइपोथेसिस एक प्रपोजिशन होता है एक अटेंटेटिव स्टेटमेंट होता है हम पहले से उसके बारे में गेस करते हैं प्रपोजिशन मतलब हम कुछ गेस करते हैं हाइपोथेसिस जिसे हम परिकल्पना कहते हैं परिकल्पना एक प्रस्ताव होता है मतलब उसके बारे में हम पहले से ही भविष्यवाणी कर लेते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है सो so, Uh, आगे हम स्टेटमेंट को कंप्लीट करते, yes, करते कर 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 हैं कर है। अगर आपके हाइपोथेसिस आप टेस्ट करते हो अगर वो सही निकली तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो अगर वो सही नहीं निकली तो आप उसको रिजेक्ट कर लेते हो सो हाइपोथेसिस जो होती है उसको हम सही नहीं मानते अपने रिसर्च में एक टेंटेटिव स्टेटमेंट मानते हैं और एक प्रस्ताव मानते हैं और उसको हम एक भविष्यवाणी कहते हैं हम कुछ चीजों को लेकर भविष्यवाणी करते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पर अपने ज्ञान के बेसिस पर और उसे हम अपने रिसर्च में अपने शोध में उसका परीक्षण करते हैं मतलब उसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उस वो वैलिड है या फिर नहीं है सो so यस yes, यहाँ पर जो आपका हाइपोथेसिस रिलेटेड हमें फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है ये सही है एक एक होता है मतलब guesses होते हैं के और कुछ कुछ होता है जिसे कुछ समय के लिए मान लेते हैं और उसे अपने रिसर्च अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं उसकी वैलिडिटी बताते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं क्या वो सही है क्या हमें उसे रखना चाहिए या फिर रिजेक्ट करना चाहिए सो so, यहाँ पर आपको जो फर्स्ट पॉइंट गिवन है ये सही है उसी तरीके से हम पॉइंट टू देखते हैं तो नल इव दिस्प्रूफ इव दिस्प्रूफ। आप क्या करते हो जब भी आपकी हाइपोथेसिस डिस्प्रूव हो जाती मतलब आपकी यदि परिकल्पना अस्वीकृत हो जाती है तो आपकी जो शून्य परिकल्पना होती है उसे भी आप डिस्प्रूव करने की कोशिश करते हो सो so, यस yes, क्योंकि याद रखिएगा नल हाइपोथेसिस को रिसर्च अपने रिसर्च में डिस करने की कोशिश करते उसे प्रूफ नहीं मान के चलते क्योंकि नल हाइपोथेसिस क्या बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है नल हाइपोथेसिस कोई भी रिलेशन को नहीं बताती है क्योंकि रिसर्चर को उस चीज को प्रूफ करना होता है उनको बताना होता है कि नहीं जो वेरिएबल्स होते उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा ही रिसर्चर so, ये अपने रिसर्च में प्रूव करने की कोशिश करते हैं लेकिन नल हाइपोथिस है हमें बता दी कि कोई वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है तो याद रखिएगा हमेशा रिसर्चर जब भी अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्च में तो so, रिसर्चर ये कोशिश करते हैं कि वो अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करे और वो अल्टरनेटिव हाइपोथिस को ऑटोमेटिकली उस केस में एक्सेप्ट कर लेते हैं So, जब भी हो जाती है। और केस रिसर्च रिसर्च में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो क्या है? कि होती है ये आपकी नल हाइपोथेसिस का अपोजिट होती है वो बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है लेकिन नल हाइपोथेसिस कहती है कुछ रिलेशन नहीं है सो so, याद रखिए यहाँ पर जो आपको पॉइंट सेकंड गिवन है जो आपको 0.2 गिवन है ये आपका सही है रिसर्चर जो आपके शोधकर्ता जो है आपकी जो शून्य परिकल्पना है हमेशा अस्वीकार करने की कोशिश करते हैं सो so, करता पर आपका फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट दोनों भी सही है इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड करेक्ट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट दोनों भी सही है नेक्स्ट डायग्नोस्टिक रिसर्च स्टडीज नैदानिक अनुसंधान अध्ययन इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि नैदानिक अनुसंधान अध्ययन क्या होती है मतलब आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च है उसकी स्टडीज क्या होती है डायग्नोस्टिक रिसर्च में रिसर्च है किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं सो याद रखिए आपकी जो डायग्नोस्टिक रिसर्च होती है ये ज्यादा करके साइंस फील्ड में यूज करी जाती है डॉक्टर्स लोग ज्यादा यूज करते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च सो डायग्नोस्टिक डायग्नोस्टिक के मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में खोजना किसी चीज को डायग्नोस करना उसके बारे में और जानना क्यों वो चीज हैपन हो रही है प्रॉब्लम क्या है वो किस वो किस वजह से चीज हैपन फैक्टर्स क्या कौन सी चीजें रिस्पॉन्सिबल है उसका सोल्यूशन किस तरीके से निकाल सकते हैं सो so, इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें डायग्नोस्टिक रिसर्च की डेफिनेशन पूछ रहा है तो so, याद रखिएगा जब भी डायग्नोस्टिक रिसर्च आती है तो आपको याद रखना है आंसर ऐसा मार्क करना है जिसमें किसी प्रॉब्लम का हम कॉज फाइंड आउट करते हैं उसकी रूट फाइंड आउट करते हैं किस वजह से वो चीज हैपन हो रही है सो यस यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आइडेंटिफाइज रूट कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एंड सोल्यूशन टू दी प्रॉब्लम तो so, जैसे मान लीजिए इस डेफिनेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है उस पर्सन को हार्ट डिसीज है सो so, आप किस तरीके से उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करोगे उसके रूट वो कॉजेज किस वजह से उसको हार्ट डिसीज हुई है सो so, जैसे मान लीजिए उस पर्सन को हार्ट डिसीज है तो आप बताओगे कि उनके चेस्ट में पेन हो रहा है ज्यादा ऑयल इंटेक है प्रॉपर डाइट नहीं है स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है सो so, इस वजह से आ, आपकी जो प्रॉब्लम है ये हार्ट प्रॉब्लम अकर होती है सो so, याद रखिएगा जैसे यहाँ पर मैंने एक डिसीज का एग्जांपल लिया हार्ट डिसीज है उसका मैंने आपको कॉज बताया अब फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल किस तरीके से कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं स्लीप साइकिल नहीं प्रॉपर ले रहे होंगे वो, वो पर्सन और डाइट प्रॉपर नहीं होगा सो तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं और अब इसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करोगे किस तरीके से हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे कि उनको प्रॉपर डाइट देंगे ओके okay? आपकी जो बॉडी है उस पर्सन की बॉडी रेगुलरली थर्टी से सिक्सटी मिनट तक मूव होने चाहिए एक्सरसाइज करना चाहिए प्रॉपर इंटेक लेना चाहिए डाइट का तो इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो होते हैं डायग्नोस्टिक रिसर्च में किसी भी डिसीज से रिलेटेड बेसिकली डायग्नोस्टिक रिसर्च में प्रॉब्लम जो होती है वो डिसीज से रिलेटेड होती है तो उस डिसीज का कॉज फाइंड आउट करते हैं रूट फाइंड आउट करते हैं किस वजह से उसका कॉज है कॉज किस चीज से वो कॉज कर रही है प्रॉब्लम फिर फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है फिर उसका सोल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करना मतलब एक समस्या है उसका मूल कारण और उस समस्या के लिए जिम्मेदार कौन से फैक्टर्स है उसके बारे में जानना और समस्या का समाधान किस तरीके से निकालना उस समस्या का मतलब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस तरीके से निकालना ये रिसर्च डायग्नोस्टिक रिसर्च में करता है इसलिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सो so, हम जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन बी आप क्या कर रहे हो कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर, कर रहे हो उसको सिंथेसाइज कर रहे होविडेंस को जो पास्ट में है जो पास्ट में करो रहे है और उसका आप, आप आपका आप बेसिकली उसका प्रेजेंट में देख रहे हो क्या यूज है सो so याद रखिये यहाँ पर आपको जो ऑप्शन बी दिया गया है ये आप पुराने से, मतलब पुराने जो पास फेनोमिना उनके थ्रू आप स्टडी so, रिसर्च से रिलेटेड ऑप्शन रिले, रिलेटे नहीं है सो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा देन उसी तरीके से ऑप्शन सी आर कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो अः uh, किसी क्या, uh, कोई uh, कोई ग्रुप है उसका इंडिविजुअल उसका कैरेक्टर बता रहे हो सो यहाँ पर आप बेसिकली उसको डिस्क्राइब कर रहे हो मतलब उसको आप डिटेल में बता रहे हो उन विशेषताओं को बता रहे हो आप डिटेल में उसको एक्सप्लेन करो डिस्क्राइब कर रहे हो बेसिकली सो ये आपके डिस्क्रिप्टिव रिसोर्स रिलेटेड है सो so यहाँ पर आपको एक ही वर्ड याद रखना है आपको की पॉइंट्स याद रखना है डिस्क्राइबिंग आ रहा है मतलब ये डिस्क्रिप्टिव रिसोर्च रिलेटेड ऑप्शन है सो so यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so इस क्वेश्चन का आपका जो राइट right आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन ए नेक्स्ट आर चर है इस क्वेश्चन में हमें ये पता लगाना है कि आपके बाह्य चर मतलब आपके जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल है इनका मीनिंग क्या होता है ये होते क्या है उनकी डेफिनेशन बेसिकली हमें पता लगाना है इस क्वेश्चन में सो so, याद रखिए, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू So हम एक एग्जाम्पल लेते हैं उस एग्जाम्पल को लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम वेरिएबल्स की जो स्टडी करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर हम ये देखते हैं मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को हम फाइंड आउट करते हैं और उसको स्टडी करते बताते हैं कि दोनों भी वेरिएबल्स के बीच में कैसा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है सो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मुझे स्टडी करना है कि मैं अगर वाटर ज्यादा दे रही हूँ किसी प्लांट को तो उस प्लांट की ग्रोथ कैसी होगी क्या मैं ज्यादा वाटर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा हो रही है या फिर मैं कम वाटर दूंगी तो प्लांट की ग्रोथ पर कैसा असर होगा उसका कैसा इफेक्ट बताएगा वाटर सो बेसिकली वाटर यहाँ पर मैं वाटर की क्वांटिटी कम ज्यादा कर रही हूँ सो so, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और प्लांट की जो ग्रोथ है मैं इसको ऑब्जर्व कर रही हूँ ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा अब इस स्टडी में क्या होता है कुछ एक्स्ट्रा so, का पार्ट तो नहीं होते हैं तो ये फिर भी क्या करते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं किस तरीके से किस तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल इस स्टडी में आपके जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे जो आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल होंगे वो हो जाएंगे आपके विंड टेम्परेचर सनलाइट ये सारे आपके एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएंगे सो so, ये एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकते हैं सो so, कभी कभार क्या होता है आप देख रहे देखना चाह रहे हो कि आपकी जो वॉटर है कि उसकी वजह से ही प्लांट की ग्रोथ हो रही है या फिर उसमें कुछ विंड टेम्परेचर और सनलाइट का भी कुछ रोल है या फिर नहीं है सो so, इस केस में आपके विंड टेम्परेचर और सनलाइट जो होंगे ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होंगे जिसे हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये स्टडी का हमारे पार्ट नहीं होते ना ही हमारे स्टडी का पर्पज होते हैं लेकिन फिर भी ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो प्लांट ग्रोथ है उसको अफेक्ट करते हैं सो so, याद रखिएगा एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारे स्टडी का पार्ट नहीं होते ना ही पर्पस होते हैं लेकिन ये फिर भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको अफेक्ट करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चर चर जो अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित नहीं है लेकिन आश्रित चर को प्रभावित कर सकते हैं मतलब ये हमारे जो अध्ययन है उसका उद्देश्य नहीं होते हमारे जो स्टडी उसका पर्पज नहीं होते लेकिन ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल है उनको प्रभावित करते हैं उनको अफेक्ट करते हैं तो so, यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा अब जो बचे हुए ऑप्शन से जो इनकरेक्ट है उन्हें भी हम एक बार देख लेते हैं ऑप्शन बी वेरिएबल दैट डिपेंड्स अपॉन और इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अदर वेरिएबल्स मतलब ऐसा वेरिएबल्स जो किसी वेरिएबल पर डिपेंड है मतलब आपका जो डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल डिपेंड्स आ रहा है मतलब से है मतलब ये ये से ऑप्शन रिलेटेड जो किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड होता है सो so, पर आपका ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू योर डिपेंडेंट वेरिएबल उसी तरीके से ऑप्शन सी वेरिएबल दैट इज एंटीसेंडेंट टू द डिपेंडेंट वेरिएबल सो C, variable, is, so, याद रखियेगा एंटीसेंडेंट का मतलब है जो पहले आ रहा है प्रियर जिसका मतलब होता है आपका प्रियर जो पहले आता है सो डिपेंडेंट वेरिएबल के पहले जो वेरिएबल आता है वो होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब आपका जो ऑप्शन सी है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड है ना कि आपके वेरिएबल से सो so, जो आपका ऑप्शन सी है ये भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉलोड इन फ्रेमिंग रिसर्च डिजाइन फॉर एम्पायरिकल स्टडी इन करेक्ट ऑर्डर अनुभवजन्य अध्ययन के लिए अनुसंधान डिजाइन तैयार करने में अपनाए गए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप एम्पायरिकल स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो उस केस में आप रिसर्च डिजाइन फ्रेम करते हो सो रिसर्च डिजाइन फ्रेम करने के लिए आप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है सो so, यहाँ पर एम्पायरिकल स्टडी एम्पैरिकल स्टडी क्या होती है जो आप आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जिसने आप एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं आप रियलिटी में उसको परफॉर्म करते हो सो so, उसे हम कहते हैं इंपेरिकल स्टडी अब इम्पेरिकल स्टडी के लिए आप रिसर्च डिजाइन तैयार कर रहे हो रिसर्च डिजाइन मतलब कि अनुसंधान डिजाइन तैयार कर रहे हो रिसर्च डिजाइन क्या होती है जिसमें आप सारी प्लानिंग करते हो कि मैं इस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाली हूँ मैं ये ये सैम्पलिंग टेक्निक मेथड यूज करूंगी इस इस मेथड से मैं डेटा कलेक्ट करूंगी उसके बाद मैं उसको किस तरीके से एनालाइज करूंगी फिर मैं कहाँ के लोगों को लूंगी किस पॉपुलेशन पर मैं रिसर्च करूंगी ये सारी चीजें आप डिसाइड कर लेते तो बेसिकली यहाँ पर प्लानिंग करते हैं कि आप किस तरीके से रिसर्च को परफॉर्म करने वाले हो स्टडी को आप परफॉर्म करने वाले हो So, यहाँ पर हमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर आप इंपेरिकल स्टडी परफॉर्म करे तो उसकी आप रिसर्च डिजाइन आप उसको तैयार कर रहे हो आपके अनुसंधान डिजाइन को अगर आप तैयार कर रहे हो तो दिए गए जो हमें ऑप्शन से दिए गए पॉइंट है उनको हमको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है पहले हम क्या इंक्रीज मतलब पहले हम क्या डिसाइड करते हैं फिर उसके बाद किस तरीके से पूरी रिसर्च स्टडी को हम परफॉर्म करेंगे हमें बता करना है तो so, याद रखिए जब भी आप इम्पैरिकल स्टडी परफॉर्म करते हैं जब भी आप रियल में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ऑब्जर्व uh, करते हैं चीजों को तो so, सबसे पहले अगर आप आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो आप रिसर्च स्टडी परफॉर्म कर रहे हो तो सबसे पहले आप आपका यूनिवर्स को आइडेंटिफाई करोगे so, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पॉइंट है ये फर्स्ट हो जाएगा मतलब आपकी जो यूनिवर्स है जिसे हम पॉपुलेशन भी कहते हैं यूनिवर्स को पॉपुलेशन भी कहते हैं मतलब आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है जिस पर आप स्टडी करने वाले है, उनको हैं उनको आइडेंटिफाई करते हो उनको आप पहचान कर लेते हो मतलब कि जो ब्रह्मांड है उसकी आप पहचान कर लेते हो देन उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक आप डिसाइड कर लेते हो फिर फिर आपका सेकंड सेकंड पॉइंट है आ जाएगा मतलब आप पॉपुलेशन में से जिन जिन मेंबर्स को सिलेक्ट कर रहे हो आप ये बताते हैं कि मैं उनको किस मेथड से करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ प्रोबेबिलिटी मेथड से मतलब मैं पॉपुलेशन में से यूनिवर्स में से मेंबर्स को रैंडमली सिलेक्ट करने वाला हूँ या फिर यूनिवर्स में से या फिर पॉपुलेशन में से जो मेरे सैंपल्स चुनूंगा मैं मैं अपने कन्वीनियंस जजमेंट और पर्पस के अकॉर्डिंग चुनने वाले इस तरीके से आप सैंपलिंग टेक्निक डिसाइड कर लेते हो अब अपने सैंपलिंग टेक्निक डिसाइड कर आपके मेंबर्स को आपने चुन लिया देन आप इनसे क्या करोगे डेटा कलेक्ट करोगे मतलब आप डेटा कलेक्ट करने के लिए आप टूल यूज करोगे तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ पॉइंट है ये आपका थर्ड हो जाएगा मतलब डेटा कलेक्शन टूल डेटा संग्रहण उपकरण ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा मतलब इन लोगों से आप जिस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाले उसका टूल यूज करोगे आप के थ्रू डेटा कलेक्ट करने वाले ये डिसाइड कर लोगे या फिर आप इंटरव्यू के थ्रू या फिर आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू और पॉपुलेशन में से आपके जो सैंपल्स है उनमें उन से आप उनसे डेटा कलेक्ट करोगे आप टूल डिसाइड कर लेते हो बेसिकली सो यहाँ पर आपने फोर्थ पॉइंट जो है आपका थर्ड हो जाएगा फिर उसके बाद आपका डायरेक्टली सिक्स पॉइंट आ जाएगा मतलब आपको जो भी डेटा मिलेगा आपने डेटा टूल सेलेक्ट कर लिया डेटा आपने डेटा कलेक्ट करोगे डेटा टूल सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा कलेक्ट करोगे और आपके पास जो भी डेटा आ गया आप उसको टेबुलेशन मोड में फिक्स कर दोगे मतलब आपके पास एक टेबल होता है उस टेबल में आप सारी इंफॉर्मेशन आप फिल कर दोगे सो यहाँ पर जो आपका सिक्स पॉइंट है ये आपका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा मतलब डेटा संग्रहण और सारणीकरण वेद सो यह हो गया आपका फोर्थ पॉइंट देन उसके बाद आपका लास्ट जो पॉइंट बच गया फोर्थ फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट बच गया आपका वो हो जाएगा फोर्थ पॉइंट के बाद थर्ड थर्ड आपका आ रहा है यहाँ पर थर्ड है आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मतलब ये फिफ्थ पॉइंट आ जाएगा आपका जो थर्ड पॉइंट यहाँ पर गिवन है ये आपका फिफ्थ आ जाएगा आपने टेबुलेशन में सारे डेटा को फिल कर लिया उसके उसको आप को अन, आप किस तरीके मिला है पर आप कुछ मतलब कुछ और आपने जो भी कंक्लूजन आप एक रिपोर्ट में लिखते हो सो so, यहाँ पर जो रिपोर्टिंग है पॉइंट आ जाएगा मतलब आप बताते हो कि आपने किस किस तरीके से रिसर्च किया कैसे आपने सारे डेटा को इकट्ठा करा आपने कैसे उसको एनालाइज करा कैसे उसको इंटरप्रेट करा सो इस वे में आपकी

डिस्ट्रीब्यूट 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 कर 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 दिया 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 मतलब डेटा आपने आपने ग्राफिकल फॉर्म में कर दिया, कुछ इस तरीके से होगा. So, जब भी आपका जो डेटा है वो झुका होता है तो उस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड इनके बीच में क्या रिलेशन होता है मतलब आपकी जो माध्य होती है माध्य का और बहुल तीनों के बीच में कैसा रिलेशन होता है हमें ये फाइंड आउट करना है कि तीनों ये तीनों भी सेम जगह पर एग्जिस्ट करेंगे सेम होंगे होंगे ये 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 तीनों तीनों की की वैल्यू वैल्यू या फिर इन डिफरेंट ये हमें ये पता लगाना इस क्वेश्चन में सो so, याद रखिए इसके लिए आपको ये डायग्राम याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बस इस डायग्राम को याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है मैं आपको बता दू इस टॉपिक से आपको एग्जाम में वन और टू क्वेश्चंस कंपलसरी पूछे ही जाते हैं इसलिए आप इस डायग्राम को अच्छे तरीके से याद करके चले जाइए जिससे कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे जैसे कि आप देख रहे हो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे स्क्यूड स्क्यूड का मतलब होता है आपका डेटा झुका हुआ जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्यू के आपके दो टाइप होते हैं होता है, है पॉजिटिव स्क्यू एक होता है नेगेटिव स्क्यू पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डेटा है ये राइट साइड पर सारा झुका होता है और नेगेटिव स्क्यू में आपका ज्यादातर डेटा जो है ये लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है इसलिए हम इसको कहते हैं

ज्यादा जो वैल्यू होगी आपकी ये मोड की होगी फिर उससे कम मीडियम एंड उससे कम आपका मीन होगा उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यू में सबसे ज्यादा आपकी मीन की वैल्यू हो जाएगी फिर उससे ज्यादा मीडियम एंड उससे ज्यादा मोड कुछ इस तरीके से आपके वैल्यूज होंगे so, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्यू में जिसके, जिसमें आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है उस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड मतलब कि माध्य माध्यम और बहुलक के बीच में ये दो तीनों भी जो है उनकी वैल्यू सेम नहीं होंगी कम ज्यादा होगी सो so इसीलिए अगर आपका जो डेटा है वो क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है मतलब आपका जो डेटा है वो झुका हुआ है तब उस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड वो तीनों भी सेम नहीं होंगे डिफरेंट होंगे एक दूसरे से तो so इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सो so, जैसे हम यहाँ पर बीच में जो फिगर है मिडल में जो फिगर है उसे देख लेते हैं सो so, अगर आपका डेटा स्क्यूड नहीं है मतलब आपका डेटा झुका हुआ नहीं है आपका डेटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सो so, उस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड इन तीनों की वैल्यू सेम होती है तीनों एक दूसरे से इक्वल होते हैं सो so, याद रखना आपका जब भी डेटा सेट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगा मतलब झुका हुआ होगा तो इस केस में आपके मीन मीडियन एंड मोड ये तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती एक दूसरे से डिफरेंट होंगे इसलिए इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्हेन मीन मीडियन एंड मोड इफ एग्जिस्ट आर नॉट से जब मध्यम और बहुलक यदि मौजूद हो तो समान नहीं है सो so, इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा नेक्स्ट डेटा रिगार्डिंग नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बोर्न टू कपल्स वो आर सिलेक्टेड एज सैंपल्स यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग हैज बीन कलेक्टेड विथ स्टैटिस्टिकल टूल्स विल यू यूज टू फाइंड आउट सिलेक्टेड फॉर हैव। नमूने के रूप में चुने गए जोड़ों से पैदा हुए बच्चों की संख्या के बारे में डेटा उपयोग करके संभवता नमूनाकरण एकत्र किया गया है पॉइंट वन जोड़ों के बच्चों के बच्चों औसत संख्या एंड पॉइंट टू अध्ययन के लिए चुने गए जोड़ों की अधिकतम संख्या के बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए आप किस संख्या के उपकरण का उपयोग करेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ केस गिवन है और इस केस में हमें सैम्पलिंग सेलेक्ट किए रिसर्चर ने और सैप्लिंग सेलेक्ट करने बाद उन, in, uh, के बाद उन्होंने उस डेटा का स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू उनका स्टडी करे है सो स्टैटिस्टिकल टूल हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल यूज करेंगे हमें ये पता लगाना है मतलब और डिटेल में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को जैसे यहाँ पर कुछ कपल्स थे उनको कुछ चिल्ड्रेन बॉर्न हुए मतलब कुछ जोड़े थे उनको बच्चे पैदा हुए सो so, यहाँ पर जो चिल्ड्रेन बॉर्न हुए उन पर रिसर्च की गई So, यहाँ पर जो सैंपल सिलेक्ट करे गए मतलब जो चिल्ड्रेन बॉर्न हुए हैं उनको एज अ सैंपल सिलेक्ट करे गए रिसर्चर ने उनको सैंपल्स के तौर पर, so, पर तो सिलेक्ट करा है बच्चों मतलब को सो पर जो सैंपल सिलेक्ट करा है ये कौन से से मेथड रिसर्चर ने सिलेक्ट करा है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडमली रिसर्चर ने यहाँ पर अपनी कन्वीनियंस जजमेंट और पर्पज को आगे रखकर नहीं करा है बल्कि रैंडमली सिलेक्ट करा है सो इस केस में रिसर्चर ने इस तरीके से चिल्ड्रन बॉन्ड जो है उन्हें सिलेक्ट कर लिया जो कि उनके सैंपल बन गए अब रिसर्चर को एक स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू इन पर स्टडी जो करनी है ये स्टैटिस्टिकल टूल के थ्रू करनी है सो so, रिसर्चर को क्या देखना है ये देखना है कि एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं कपल्स को कपल्स के एवरेज चिल्ड्रन कितने हैं और सेकेंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल्स मतलब uh, कितने कपल्स को मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है यह हमें देखना है सो so, याद रखिए फर्स्ट पॉइंट में हमें क्या बता रहा है द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन कपल्स है कपल्स को एवरेज नंबर कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है हर कपल को तो यहाँ पर एवरेज हम देख रहे हैं सो ऑब्वियसली हम कौन से टूल का यूज करेंगे कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे एवरेज मतलब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं जोड़े कि जो बच्चे हैं उनकी औसत संख्या क्या है सो so, औसत संख्या के लिए औसत संख्या हम देख रहे हैं तो so, यहाँ पर हम औसत इस टूल का यूज करेंगे मतलब यहाँ पर ये यह देख रहे हैं रिसोर्चर की ज्यादातर जो कपल्स है उनको एवरेज कितने बच्चे तो आप जैसे ये कह सकते हैं रिसोर्चर जो ज्यादातर जो कपल्स है उनको एवरेज दो दो चिल्ड्रेन है उनको दो दो बच्चे है एवरेज तो इसलिए यहाँ पर एवरेज यूज कर रहे मीन का यूज करेंगे average को हम हम भी कहते हैं हैं अब हम second point के तरफ चलते second point में बता रहा है कि द नंबर ऑफ कपल कितने मैक्सिमम चिल्ड्रन है मैक्सिमम कपल्स को ये हम हमको बताना है सो so, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम कितने बच्चे हैं मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम यानी सबसे ज्यादा तो याद रखिएगा मैक्सिमम जब भी वर्ड आता है उसके लिए हम मोड यूज करते हैं मोड क्या होता है मोड ये बताता है आपके पास जो भी डेटा होता है उस डेटा में एक ऐसा नंबर जो सबसे मैक्सिमम बार सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो नंबर उससे हम उसे कैलकुलेट करने के लिए हम मोड का यूज करते हैं मोड का मतलब ही होता है ऐसा नंबर जो आपके डेटे में सबसे ज्यादा बार रिपीट हो उसे हम कहते हैं मोड सो so, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में रिसर्चर को एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखना था कपल्स के पास तो यहाँ पर एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इसलिए हम एवरेज यानी मीन का यूज करेंगे एंड मोड मोड मतलब जो सबसे ज्यादा बार क्वांटिटी आ रही है मतलब रिसर्चर को यही देखना मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं मैक्सिमम कपल्स को तो यहाँ पर यहाँ पर रिसर्चर जो है मोड का यूज करेंगे सो औसत एंड मोड इन दोनों

औसत तो और औसत ये तो नहीं होगा आपको ऑप्शन सी सी इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से ऑप्शन डी ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा सो so, इस क्वेश्चन का आपका राइट right आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इस स्टडी को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर एवरेज एंड मोड इस स्टैटिस्टिकल टूल का यूज करेंगे नेक्स्ट कंप्लीट इन्यूमरेशन ऑफ ऑल आइटम्स इन दी Population is known as, में सभी मदों की को कहा जाता है इस क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है एक पॉपुलेशन में से आप पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एक पॉपुलेशन है इसी पूरी पॉपुलेशन से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो पॉपुलेशन में जितने भी पूरे मेंबर्स जितने पूरे भी आपके आपके पास आइटम्स उन सब से आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उससे हम क्या कहते हैं याद रखिएगा है जब भी आप पूरी पॉपुलेशन में से मतलब आपकी जो पूरी जनसंख्या है जनसंख्या के सभी मेंबर्स में से सभी उनके एलिमेंट्स जो होते हैं आपकी जनसंख्या है के उन सभी से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो तो उसे हम कहते हैं सेंसेस इंक्वायरी जनगणना जांच आप क्या करते हैं आपकी जनगणना जो होती है आपकी जो सेंसेस जो होते हैं इनसे आप इंक्वायरी लेते हो सेंसेस क्या होता है पॉपुलेशन में से आप हर एक एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो उससे हम कहते हैं सेंसेस और सेंसेस जांच ये आ, भारत में हर दस साल पर किए जाती है मतलब सेंसस जो होता है भारत में हर दस साल पर कंडक्ट करवाई जाती है जिससे पता लगता है कि उस पर्टिकुलर जिससे पता लग जाता है कि भारत में हमारी कितनी पॉपुलेशन है कितने लोग लिटरेट है कितने लोग पढ़े लिखे कितने लोग एजुकेटेड हैं और पॉपुलेशन जो रह रही है उनकी जो आ, स्टेटस क्या है उनका सोशल स्टेटस कैसा है वो क्या उनकी इनकम कितनी है एवरेज इनकम कितनी है लोगों की ये बता सकते हैं इंक्वायरी के थ्रू और जनगणना जांच के थ्रू यही स्टडी की जाती है मतलब हर एक से आप तो याद रखिएगा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंसिस इंक्वायरी सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अब जो रिमेनिंग ऑप्शन है उन्हें भी हम एक बार ही देख लेते हैं ऑप्शन ए स्टडी पॉपुलेशन स्टडी पॉपुलेशन तो कुछ नहीं था कि आप स्टडी कर रहे हो पॉपुलेशन पर इससे हम पूरी पॉपुलेशन से अगर आप इन्फॉर्मेशन करे तो उसे हम स्टडी पॉपुलेशन नहीं करेंगे अध्ययन आबादी नहीं करेंगे सो so, इस क्वेश्चन का ऑप्शन है इनकरेक्ट हो जाएगा इस तरीके से ऑप्शन भी यूनिवर्स यूनिवर्स मतलब के ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स क्या होता है इसे पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स कहते हैं अगर आप पूरी पॉपुलेशन से स्टडी कर रहे हो तो उसे हम पॉपुलेशन नहीं करते बल्कि सेंसेस है, कहते हैं तो so, पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा उसी तरीके से सैंपल पॉपुलेशन मतलब पॉपुलेशन में से सैंपल चुन रहे हो so, तो सैंपल तो क्या होता पॉपुलेशन के कुछ लोगों पर आप रिसर्च करते हो लेकिन पॉपुलेशन के आप सभी मेंबर्स पर रिसर्च करते हो उसे हम कहते हैं सेंसेस ना के सैंपल तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आपका राइट right ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सेन्सेज इंक्वायरी जनगणना जांच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो